जैसे ही हमें पता चला कि हमें कॉलेज को 2 दिन छुट्टी है तो बस उसी वक्त हमने गाड़ी उठाई और बस चल पड़े एक नए अनप्लान्ड ट्रिप पर। सो हमने डिसाइड किया कि अपने अपने टू व्हीलर पर ही जाएंगे, एक मेरे दोस्त की जावा और एक मेरी एक्सेस 125। तो सबसे पहले तो हमने हमारी गाड़ी की टंकी फुल की और रास्ते में ही हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे महाबलेश्वर, पुणे से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर। सो ट्रिप शुरू होने से पहले गणपति बप्पा और फिर हम चल पड़े नेशनल हाईवे 48 पर। तो लगभग 1 घंटा 90 की स्पीड पे क्रूज करने के बाद हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ पे हमने की हमारे ट्रिप की सबसे पहली गलती कि हमने वड़ा पाव की दुकान पे डोसा ऑर्डर कर दिया। धड़ाधड़ अलग अलग फ्लेवर्स के शरबत और चॉकलेट्स ट्राई किए। सिर्फ ट्राई नहीं किए, एक दो शरबत के बॉटल्स खरीद भी लिए। तो लगभग 1 घंटा मैप्रो गार्डन में चिल करने के बाद हम गए वाई के ढोला गणपति के दर्शन करने। मंदिर में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। वेल, दर्शन करने के बाद वही पास में हम चले आए यहाँ के फेमस बंडू गोरे भोजनालय में। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी और सात्विक होता है। तो पेट भर खाना खाने के बाद हम चले महाबलेश्वर की ओर और सीधा जा पहुँचे एक ऐसे व्यू पॉइंट पर जो महाबलेश्वर का सबसे बेस्ट पॉइंट है। एंड ये पॉइंट ऐसा है कि बहुत कम लोगों को पता है। इस पॉइंट का नाम है कैनॉट पीक। यहाँ से जहाँ नजर जाए वहाँ बस लश ग्रीन ट्रीज की लेयर नजर आती है। तो यहाँ की ठंडी हवा में एक छोटी सी झपकी लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब महाबलेश्वर के बाहर जाएंगे, क्योंकि यहाँ का बेस्ट स्पॉट तो हमने देख लिया, तो कहीं और जाने का क्या ही फायदा। सो हम चले वासोड़ा जंगल की ओर जो कि महाबलेश्वर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वासोड़ा जाने के लिए 3 रास्ते थे, हमने चुना सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो कि आगे जाके हमें बहुत रिग्रेट हुआ। एंड रिग्रेट क्यों हुआ, क्योंकि दिस वाज द ओल्डेस्ट रूट टूवर्ड्स सातारा एंड इस रोड पे व्हीकल मूवमेंट बहुत ही कम थी एंड साइड रेलिंग्स भी नहीं थी। 3 hours later तो शाम के 7 बजे थे एंड वी वर नियर वासोड़ा, बट ऑफ डे होने की वजह से यहाँ के सारे लॉजिंग फैसिलिटीज बंद थे एंड जो ओपन थे वो भी बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। सो हमारे पास बचे 2 ऑप्शंस, एक कि हम 200 किलोमीटर नाइट ड्राइव करके घर जाए और वो भी दूसरे रास्ते से, क्योंकि पाचगनिका घाट रात को पब्लिक के लिए बंद कर रहे थे एज इट्स वेरी रिस्की, एंड दूसरा ऑप्शन कि हम यही किसी पेड़ के नीचे या मंदिर के अंदर बिस्तर डाल के सो जाए। हमने डिसाइड किया कि हम वापस घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी हम जहाँ पर थे वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया था एंड हमें कुछ हो जाता तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। सो वी डिसाइडेड टू गो टू पुणे वाया सातारा एंड रास्ते में अगर कोई होटल मिल जाए तो वहाँ रुकने का प्लान करेंगे। तो रात के 9 बजे थे एंड बस हमारे 2 गाड़ियाँ उस घाट से जा रहे थे, तो तभी रास्ते में हमें एक बड़ा सा रिजॉर्ट दिखा एंड वहाँ इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला कि ये पूरा रिजॉर्ट एक शादी के लिए बुक था, पर हमने स्टिल रिक्वेस्ट करके कैसे वैसे उन्हें कन्विंस कर लिया एंड वही खाना खा के सो गए। एंड जैसे ही सुबह उठे फिर हमें पता चला कि हम कितने ब्यूटीफुल रिजॉर्ट पर रुके थे, यहाँ से जो नज़ारे थे वो तो आए हाय। तो हम लोग अभी थे कास पठार में और इस रिजॉर्ट का नाम है द हेरिटेज वाड़ी। ये बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है, यहाँ पे कंपैरेटिवली रूम के प्राइसेस भी बहुत ही कम थे, हमें एक रूम 4 लोगों के लिए बस 1500 रुपये में पड़ी। तो यहाँ पर अच्छी सी नींद लेके एंड ढेर सारे फोटोज़ क्लिक करने के बाद हम चले यहाँ से कुछ ही किलोमीटर्स दूर सज्जनगढ़ पर। इस गढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु श्री रामदास स्वामी इनकी समाधि है। वेल, यहाँ पर अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा सा नाश्ता किया एंड कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकले घर की ओर एंड बस 2-2.5 घंटे में वी वर एट होम। तो ऐसे करके हमारी 400 किलोमीटर्स की अनप्लान्ड ट्रिप बहुत ही अमेजिंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के साथ एंड हुई। फॉलो मी फॉर मोर सच कॉन्टेंट।